नमस्कार, आप देख रहे हैं बी भारत और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कार्मिक प्रशिक्षण स्थल के डीसी का टीएम ने किया निरीक्षण। बहराइच लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सकुशल संपन्न कराने के लिए 56 बहराइच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की मतदान प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए नियुक्त किए गए मतदान कार्मिकों हेतु स्वर्गीय ठाकुर हुकुम सिंह किसान पीजी कॉलेज बहराइच के विभिन्न कक्षों में आयोजित किए जा रहे 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन के प्रथम पाली में पोलिंग पार्टी संख्या 1392 से 1740 व द्वितीय पाली में पोलिंग पार्टी संख्या 1741 से 2077 को सैद्धांतिक एवं ईवीएम मशीनों का तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। पोलिंग पार्टियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी मोनिका रानी ने कहा कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। डीएम ने कहा कि निर्वाचन जैसे चुनौतीपूर्ण कार्य को सकुशल संपन्न कराने के लिए आवश्यक है कि आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ मतदान केंद्र की ओर प्रस्थान करें तथा निर्भीक होकर भारत निर्वाचन आयोग की मंशा अनुरूप अपने पदेन उत्तराधिकारियों का निर्वहन कट अपने पदेन उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें। डीएम ने कहा कि उन्हें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि पोलिंग पार्टियां पूरी उत्कृष्टता के साथ अपने कार्य को अंजाम देंगी। डीएम ने पोलिंग पार्टियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि मतदान कार्मिक की जिम्मेदारी से कतई भयभीत ना हो बल्कि पूर्ण उत्साह, विश्वास और इस जज्बे के साथ जाएं कि आप विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। डीएम ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा होना हम सभी के लिए गौरव की बात है। डीएम ने कहा कि जिला प्रशासन आपके साथ है, आपकी जिम्मेदारी यही है कि आप सभी लोग तटस्थ रहते हुए आयोग की मंशानुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। डीएम ने कहा कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने हेतु पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है, साथ ही ऐसी व्यवस्था भी की गई है कि जिले के आला पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट समकक्ष पुलिस अधिकारियों के साथ निरंतर अंतराल पर मतदान केंद्र पर पहुंचते रहेंगे। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी रम्या आर, जिला विकास अधिकारी महेंद्र कुमार पांडे, पीडीडी आरडीए राजकुमार, बीएसए अव्यक्त राम तिवारी, जिला कृषि अधिकारी सतीश कुमार पांडे, अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण सुजीत कुमार सिन्हा, जिला प्रशिक्षण अधिकारी डॉक्टर सीके वर्मा सहित अन्य संबंधित मौजूद रहे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी भारत। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बी भारत को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।